फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि डीडीए ने अपनी तीनों हाउसिंग स्कीम को लॉन्च कर दिया है और इससे रिलेटेड अपना ब्रोशर भी रिलीज कर दिया है। यदि आपने अब तक डीडीए का ब्रोशर नहीं देखा तो ब्रोशर का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप ब्रोशर को डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं तीनों ब्रोशर का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख लेना। फ्रेंड्स फर्दर इस स्कीम से रिलेटेड मैंने दो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस स्कीम को लेकर या फिर फ्लैट खरीदने को लेकर कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में है। फ्रेंड्स जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नुकसान आपका ही होगा। फ्रेंड्स डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय आवासीय योजना 2024, इन दोनों स्कीम्स में फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी 10 सितंबर 2024 से। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 सितंबर 2024 से। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 2500 रुपये का अमाउंट पे करके आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि फ्लैट्स बुक करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो अभी आपके पास 2500 रुपये की पेमेंट करने के लिए लगभग 20 दिनों का टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 2500 रुपये जो है नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेंगे। सपोज डेट आपने फ्लैट नहीं खरीदा या नहीं बुक किया तो आपको ये 2500 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2023 में पार्टिसिपेट किया था और 2500 रुपये का पेमेंट किया था, उन लोगों को दोबारा से 2500 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। वह 2500 रुपये ही इस स्कीम में काम में आएंगे, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए सस्ता घर आवासीय योजना 2024 और मध्यम वर्गीय आवासीय योजना 2024 में फ्लैट्स की बुकिंग 10 सितंबर से स्टार्ट होगी। दूसरी तरफ द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, इसमें ईएमडी अमाउंट जमा करने और रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 16 सितंबर है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इससे पहले आप जाके अपने फ्लैट्स को देख ले, यानी कि जिस लोकेशन के फ्लैट को आप प्रेफर कर रहे हैं, जो कोई भी लोकेशन जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं वहाँ पर जाके एक बार देख ले फ्लैट्स कैसे हैं, आसपास का एरिया कैसा है। तो एक बार आप देख के अपने आप सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद ही आप 2500 रुपये की पेमेंट करिए, अदरवाइज आपके 2500 रुपये भी नुकसान में होंगे, मतलब आप नुकसान झेलेंगे, कहने का मतलब। तो एक बार जाके फ्लैट्स को देख लीजिए। फ्रेंड्स लगभग सभी फ्लैट्स की विजिट मैंने करा रखी है। इस स्कीम में जितने भी लोकेशन के फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं उन सबकी विजिट आपको मैंने करा रखी है। फ्लैट्स को अंदर से दिखाया है, वहाँ का जो कंपाउंड है वह दिखाया है, पूरा प्रवाइस दिखाया है, सब कुछ बता रखा है उसमें मैंने आपको। डीडीए की प्रीवियस स्कीम्स में इन फ्लैट्स को शामिल किया गया था, तभी मैंने आपको उनकी विजिट कराई थी। आप चैनल पे उन विजिट्स को ढूंढ के सर्च करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, रजिस्ट्रेशन का काम तो सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप 9 तारीख को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 10 तारीख को फ्लैट बुकिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2500 रुपये, फ्लैट का बुकिंग अमाउंट जो है ईडब्ल्यूएस का 50,000 रुपये, एलआईजी का 1,00,000 रुपये। तो उसको पे करके आप अपना मतलब फ्लैट भी बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाके फ्लैट्स को देख लीजिए। नरेला के देखना चाहते हैं नरेला के देख लीजिए, द्वारका के देखना चाहते हैं द्वारका के देख लीजिए, रोहिणी के देखना चाहते हैं रोहिणी के देख लीजिए। कहने का मतलब कि जो भी फ्लैट आप प्रेफर कर रहे हैं जाके एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो इस स्कीम के बारे में काफ़ी बातें करनी है, जो कि हम अपनी फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।